नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दो चीज़ें। एक हम लोग कवर करेंगे कि अपने अगर हमारी वेबसाइट है ड्रुपल की, तो उसमें अगर किसी टाइप का अगर कोई किसी आईपी एड्रेस से किसी टाइप का कोई स्पाम या कोई भी ऐसा जो आपके ड्रुपल की वेबसाइट के लिए मतलब हानिकारक है या फिर, तो उसको हम कैसे ब्लॉक करें, उस आईपी एड्रेस से कोई हमारे वेबसाइट को एक्सेस ना कर सके, तो वो कैसे करेंगे। और दूसरा करेंगे कि अगर हमें किसी यूज़र को या किसी यूज़र को अगर किसी में इसको रिस्ट्रिक्शन देनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक मॉड्यूल यूज़ करेंगे, ये है यूज़र रिस्ट्रिक्शंस। तो ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं ब्लॉक आईपी एड्रेस जो वाला जो ऑप्शन है वो। उसके लिए आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पीपल में ये एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा आईपी एड्रेस ब्लॉक। इस पर आपको जाके सिंपल 192.168 जो भी जिस टाइप की भी आपकी जो आईपी एड्रेस होती है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लिया है तो इसको, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए लिखा द आईपी एड्रेस हैज़ बीन ब्लॉक्ड, ठीक है। तो अब आपको इस आईपी एड्रेस से आपकी जो वेबसाइट है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका था कि हम अपने कैसे अपनी वेबसाइट आईपी एड्रेस, कैसे किसी का आईपी एड्रेस हमें ब्लॉक करना है तो ऐसे करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। बहुत से इशू होते हैं किसी आईपी एड्रेस से, बहुत सारे स्पैम आ रहे हैं या इनलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रुपल में इस तरीके से आप आईपी ब्लॉक कर देंगे। दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं यूज़र रिस्ट्रिक्शन का, ठीक है। तो इससे इसको सबसे पहले हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में और इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए इंस्टॉल न्यू मॉड्यूल, ठीक है, यूआरएल उसका और इंस्टॉल, ठीक है। दोस्तों, ये ड्रुपल इंस्टॉल करने का एफटीपी का जो मेथड था वो हमने लोकल अपने लोकल में सेटअप कर रखा है, तो हम लोग ईजिली हम लोग को एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है। अगर आपको ये फंक्शनैलिटी नहीं पता है ये कैसे होता है तो बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जिनको आता है अच्छी बात है, ठीक है। तो हमें इस डायरेक्टली हमको ये डाउनलोड नहीं करना पड़ता, एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता, तो टाइम सेविंग हो जाता है। और दोस्तों, अगर आप अगर उबंटू या लिनक्स यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है कि आप ड्रेस के कमांड के थ्रू आप डायरेक्ट वीडियो डायरेक्ट मॉड्यूल इंस्टॉल डिसेबल या अनइंस्टॉल कुछ भी करना चाहें या क्रॉन जॉब करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी कभी एक वीडियो कोई कवर करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग को जैसे ड्रेस डाउनलोड मॉड्यूल का नेम, ड्रेस EN यानी कि इनेबल मॉड्यूल का नेम, ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके लिए अभी हमने यहाँ इसको इंस्टॉल किया, उसके बाद इनेबल कर लेते हैं। तो यूज़र RES ऑल, तो यहाँ पर हमें मिलेगा यूज़र रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये दो मॉड्यूल हमें यहाँ पर इनेबल करने पड़ेंगे, पहला यूज़र रिस्ट्रिक्शन का, दूसरा उसका UI, ठीक है। तो जो सेटिंग करेंगे वो UI में ही होगी। सेव करते हैं, ठीक है, ये सेव हो गया। उसके बाद देखिए दोनों मॉड्यूल इनेबल हो गए। चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पर हम वो रूल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रूल ऐड करते हैं, ठीक है। अब एक्सेस टाइप क्या रहेगा, आपको अलाउड करना है, डिनाइड करना है, हमें डिनाइड करना है। रूल टाइप के क्या, आपको यूज़र नेम के थ्रू अगर आपको अलाउड डिनाइड करना है या ईमेल के थ्रू, हम लोग ईमेल का ऑप्शन एक लेते हैं, ठीक है। तो ईमेल का हम लोग ऑप्शन लेंगे एस परसेंटेज का साइन, फिर उसके बाद ऐट द रेट, फिर उसके बाद ई एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, example.com, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ईमेल। तो अब इस डोमेन जो हमने example.com लिया है, इस ये कवर करेगा उसके ऐट द रेट आगे का जितना भी कुछ होगा वो सब कवर कर लेगा, ठीक है। और पीछे इस डोमेन example.com से कोई भी हमारा अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, ईमेल नहीं कर सकता या क्रिएट अकाउंट नहीं कर सकता। देखते हैं, अभी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपायर भी आप लगा सकते हो कि आपको ये जो अपने रूल जो क्रिएट किया है वो कितने घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाए। अगर आपको इस टाइप की फंक्शनलिटी चाहिए कि मेरा
एक वीक बाद ये जो हमने फंक्शनलिटी इन्हेंस की है ये एक्सपायर हो जाए, तो आप यहाँ एक वीक्स या कुछ डे या कुछ घंटे यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेफ, हमें कभी नहीं एक्सपायर करना है इसलिए नेवर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि हम लोग अभी चेक करते हैं पॉप एट द रेट जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया था example.com, ठीक है। इससे आप चेक कीजिए, चेक ईमेल दे देखिए, मैसेज यहाँ पर आया द ईमेल एड्रेस दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। अगर आप हम दूसरा कोई चेक करेंगे माई चांस, यहाँ आप कुछ कर दीजिए जीमेल ले लीजिए, ठीक है। तो आप चेक करेंगे तो दिस ईमेल एड्रेस इज़ अलाउड, ठीक है। तो ये था कि कैसे हम ईमेल का जो डोमेन है उस इस डोमेन से या इस ईमेल एड्रेस से, इस टाइप के ईमेल एड्रेस से हमारा कोई यूज़र रिस्ट्रिक्शन कैसे सेट करें, ठीक है। अब इसके थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं इस पर, खोलते हैं इसको और यहाँ पर नहीं है और क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन यूज़र स्लैश लॉग इन, ठीक है। तो मेरा भी क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको भी देखते हैं कि क्या हो सकता है।